महाराष्ट्र में संतों के खिलाफ क्या किसी तरह की साजिश रची जा रही है, सवाल हमें इसलिए उठाना पड़ा है क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर अब जी न्यूज़ आपको दिखा रहा है। आपको बता दें यहां पर कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक और साधु की हत्या की ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये खबर कई तरह के सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल यही, क्या महाराष्ट्र में अब साधु संत सुरक्षित नहीं रहे हैं? दूसरा सवाल ये, क्या महाराष्ट्र में साधु संतों के खिलाफ किसी तरह की साजिश रची जा रही है? और अगर ये साजिश रची जा रही है तो इस साजिश के पीछे कौन है? और साथ ही बीजेपी ये कह रही है कि मौजूदा सरकार की नाकामी है। इससे पहले आपको याद दिला दूं, एक तरफ बीजेपी का ये रिएक्शन जो ये कहता है कि ये मौजूदा सरकार की नाकामी है, तो यहां पर आप पालघर में जो हुआ था वो अभी भूले नहीं होंगे। पालघर में किस तरह से पीट पीट कर दो संतों समेत तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी, उसी कड़ी में अब आप ये बड़ी खबर देख रहे हैं जिसमें महाराष्ट्र के नांदेड़ की ये उमरी तालुका नागठाना इलाका ये जहां पर साधु की हत्या की गई है। साधु के बारे में और डिटेल्स आपको दे देती हूँ। बाल ब्रह्मचारी शिवाचार्य इनका नाम, जिनकी हत्या की गई है और साधु समेत ये दो लोगों की हत्या है, क्योंकि एक तरफ बाल ब्रह्मचारी शिवाचार्य हैं और साथ ही दूसरी तरफ भगवान शिंदे नाम का जो शख्स है उसकी भी लाश मिली है। तो कुल मिलाकर दोनों की लाश बाथरूम के पास मिली है। हत्या गला रेत कर दी बताई जा रही है। हालांकि गाड़ी लेकर भागने की कोशिश भी की गई लेकिन बाद में उसे छोड़कर भाग गए। हत्या का कारण लूटपाट भी हो सकता है, फिलहाल ऐसा पुलिस कह रही है कि कोई भी वजह हो सकती है लेकिन जांच फिलहाल चल रही है। तो आपको बता देती हूँ, हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राम कदम जी जुड़ गए, लेकिन उनसे पहले मैं रुक करूंगी मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी का। और अंकुर, मेरा सवाल यह है, इस वक्त पुलिस की जांच क्या कह रही है? क्योंकि अपने आप में बहुत चिंता बढ़ाने वाली खबर है ये देखते हुए कि अभी कोई भूला नहीं है कि पालघर में क्या हुआ था, वहां पर अभी पूरे तरीके से इन्फॉर्मेशन भी बाहर नहीं आई है और उसी सिलसिले में अब हम नांदेड़ से इस तरह की बड़ी खबर दिखा रहे हैं। देखिए, अगर आप इस पर्टिकुलर नांदेड़ वाले केस की बात करेंगी तो उमरी तहसील आती है, वहां पर ये लिंगायत समाज के जो साधु हैं निर्वाण पशुपति महाराज वहां रहते थे। उनका एक छोटा सा आश्रम वहां पर था, उनके साथ कुछ सेवादार भी वहां रहते थे। कल रात को देर रात को इनकी हत्या की गई है, इनके बाथरूम के पास ही इनका शव मिला। एक और व्यक्ति है जिसकी इस मामले में हत्या की गई है। जो शख्स जिसने इनकी हत्या की गई बताई है, वो बताया जा रहा है जो कि आई विटनेस जिनके इस वक्त स्टेटमेंट इस वक्त रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, उनके मुताबिक जो आरोपी है वो इन महाराज की लाश को लेकर उन्हीं की गाड़ी में फरार होने की कोशिश कर रहा था। वो जो गाड़ी है वो गेट पे जाकर भिड़ जाती है, वो शख्स उतरता है, आसपास के लोग जाग जाते हैं। जब वो आने लगते हैं तो ये जो शख्स है तो ये डेड बॉडी को वहीं छोड़ के, कार को वहीं छोड़ के ये भाग जाता है। तो अभी फिलहाल जो पुलिस है वो अपनी तरफ से जितने भी आई विटनेस हैं उन सभी के स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर रही है, उनको क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। बताया ये भी जा रहा है कि जो आरोपी है वो लोकल एरिया का ही है, इससे पहले भी कई बार वो इस आश्रम में आता जाता था, उसको जितने भी इस आश्रम के रीति रिवाज थे या टाइमिंग थे उन सब के बारे में पूरी तरह पता था। तो अभी फिलहाल पुलिस अपनी तरफ से एक जांच कर रही है, उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। क्लैरिटी के लिए आप कह रहे हैं कि कितने 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 हमलावर हो सकते हैं, कितने लोग हैं जो इस वारदात में शामिल है, इस हत्या में शामिल है? देखिए, अभी तक फिलहाल जिस तरह से पुलिस के द्वारा जो सूत्रों से खबर पता चल रही है वो अब तक एक शख्स का ही नाम पता चल रहा है, उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद ही उस आरोपी का नाम बताया जाएगा पुलिस के जरिए। फिलहाल पुलिस ये अपनी तरफ से इंश्योर हो जाना चाहती है कि जो हत्या हुई है उसका जो तरीका है वो वही है जो आई विटनेस बता रहे हैं या नहीं बता रहे। उस आरोपी की भी इस वक्त तलाश कई पुलिस की जो टीम है, जो लोकल न केवल उमरी पुलिस की टीम है बल्कि नांदेड़ से जुड़ी हुई जो पुलिस है उसकी भी कई सारी टीमें मिलकर इस वक्त कर रही हैं। मामला संगीन है, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अशोक चव्हाण खुद इस मामले में जांच करने की बात कह चुके हैं। सरकार पे दबाव है क्योंकि पहले ही पालघर की घटना हुई है जिसमें सरकार की बहुत किरकिरी हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राम कदम जी हमारे साथ हैं। राम कदम जी, क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? साधु संत सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, क्या हो रहा है? क्योंकि पालघर तो अभी कोई भूला ही नहीं है और अब हम ये नांदेड़ से इस तरह की घटना, इस तरह की खबर सुन रहे हैं। सबसे आरंभ में ये जो साधुओं की हत्या हुई है इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। गत एक महीने के अंतराल में
ये दूसरा साधुओं पर अटैक है, ये दूसरी हत्या है। और एक ओर महाराष्ट्र में साधु संत सुरक्षित है और दूसरी ओर आप देखें तो महाराष्ट्र के पुलिस पर अब तक 240 हमले हो चुके हैं। यानी राज्य में ना साधु सुरक्षित है ना पुलिस सुरक्षित है। और पहला जो पालघर की जो घटना घटी थी उसमें समूचे देश ने, सभी संतों ने मांग की थी कि उसकी जांच सीबीआई को सौंपी जाए, पर महाराष्ट्र सरकार ईगो में रुक गई, ना उन्होंने स्वयं जांच ठीक से की ना उन्होंने वो जांच सीबीआई को सौंपी। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार के ही कालखंड में, उसी के एक महीने के अंतराल में ये दो दो हत्या, वो भी ऐसे व्यक्ति की कि जो साधु 24 घंटे भगवान राम का नाम लेते हैं, देवताओं का नाम लेते हैं, भगवे वस्त्र पहनते हैं, तो उन वस्त्रों से किसे आपत्ति है? कौन सी ऐसी ताकतें हैं, कौन सी ऐसी शक्तियां हैं कि जो महाराष्ट्र सरकार सत्ता में आने के बाद लगातार यह हमले होते जा रहे हैं और उसके ऊपर महाराष्ट्र की सरकार चुप है। ये घटना घटी है कल देर रात को। घटने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मौन है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री मौन है। उनका अगर ट्विटर हैंडल देखे तो वहां पर लोगों की अभिनंदन करने की बात आती है, पर ऐसे साधु जो जिस साधु को समूचा देश एक अलग ईश्वरीय शक्ति करके मानता है, उन साधुओं के हत्या के बारे में ये निंदा तक प्रकट नहीं करेंगे, खेद तक प्रकट नहीं करेंगे। इनकी सारी संवेदनाएं समाप्त हो चुकी है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम चाहेंगे कि पहले जो पालघर की घटना हुई थी उसकी भी सीबीआई जांच हो, और आज भी जो साधु की घटना घटी है, हत्या जो हुई है, इसकी भी जांच हो। ये जांच करने के पहले पुलिस ने कहा ये चोरी की वारदात हो सकती है, और यही हादसा पालघर में हुआ था। वो हत्या होने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कहते हैं ये अफवाह के कारण हुआ है। अब मुझे बात बताया, अगर मुख्यमंत्री स्वयं कहे अफवाह के कारण हुआ है तो उनके अंडर काम करने वाली पुलिस किस दिशा में जांच करेगी? तो कहीं ना कहीं ये हिंदुओं के साधुओं के साथ महाराष्ट्र में ऐसी कौन सी शक्तियां हैं, उन शक्तियों की तलाश महाराष्ट्र की सरकार को करनी होगी। और हम अब चुप्पी नहीं रखेंगे। पालघर का भी मामला अभी थमा नहीं है। हम फिर से महाराष्ट्र सरकार से मांग करते हैं, पालघर और नांदेड़, ये दोनों मामले सीबीआई को महाराष्ट्र सरकार सौंपे। अगर महाराष्ट्र सरकार के मन में कोई काला नहीं है तो उनको सीबीआई में सौंपने में क्या दिक्कत है, हमको क्या आपत्ति है, कौन सी परेशानी है? ठीक है, ठीक है। अंकुर त्यागी हमारे साथ लगातार बने हुए। अंकुर त्यागी, क्या हमें शिवसेना की तरफ से या हमें सरकार में किसी मंत्री की तरफ से किसी तरह का कोई रिएक्शन आपको मिला है? चुप्पी साधे हुए हैं ऐसा राम कदम जी कह रहे हैं, किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आपको मिल पाई है क्या नांदेड़ में जिस तरह से साधु समेत दो लोगों की हत्या हुई है? देखिए, फिलहाल अभी तक सिर्फ अशोक चौहान का एक रिएक्शन पता चला है जिसमें वो इस पूरे मामले की जांच की बात कर रहे हैं। हालांकि कोई भी दूसरा नेता या मंत्री बात इसलिए भी नहीं कर रहा है। तकरीबन 1:30 बजे खुद राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उसमें अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि वो दो सबसे बड़े जो मुद्दे हैं, पहला तो ये नांदेड़ में साधु की जो हत्या हुई है इसके ऊपर, और इसके अलावा जो एयरपोर्ट को लेकर जो इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है, 25 मई का जो मामला के ओपनिंग हो रही है और जिस तरह से उसके बाद अनिल देशमुख ने अपनी बात रखी है, ऐसे दो बड़े मामले हैं उन पर अपनी बात रखने जा रहे हैं। तो इसीलिए इंतजार किया जाएगा 1:30 बजे का, जब खुद मुख्यमंत्री अपना एक सोशल मीडिया के जरिए इन तमाम सवालों के जवाब देते नजर आएंगे। रामकदम जी, शिवसेना खुद को हिंदुत्व की चैंपियन बताती है, हिंदुत्व को लेकर काफी मुखर भी रही है, लेकिन ऐसे में अपने आप में एक बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है जब साधु संतों की इस तरह से एक महीने के अंदर, हम पहले पालघर की बात कर रहे थे अब हम नांदेड़ की बात कर रहे हैं, साधु संतों पर जो हमले हैं जब इस तरह से हो रहे हैं तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, मैं आपके सामने दो बातें स्पष्ट तरीके से रख दूं। पहली बात कि ये नांदेड़ की घटना घटने के बाद अशोक चव्हाण जो उसी नांदेड़ शहर से है, इसके लिए उनका उस पर बयान देना स्वाभाविक है। पर अशोक चव्हाण छोड़ करके इन साधुओं की हत्या के बारे में खेद, जो भगवा हिंदुत्व की बात करने वाली शिवसेना वो खेद तक प्रकट नहीं करती, उनके गृह मंत्री इसके ऊपर कुछ बोलेंगे नहीं। ये इस कारण हो रहा है क्योंकि शिवसेना ने अपना हिंदुत्व गत 6 महीनों में पूरी तरह से शिवसेना छोड़ चुकी है। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज का अपमान होता है, शिवसेना चुप है।
कांग्रेस के नेता सीधा सीधा हिंदुओं का अपमान करते हैं, शिवसेना चुप है। आज साधुओं की घटना घटी है, शिवसेना चुप है। सावरकर जी का अपमान होता है, जो बाला साहब सावरकर जी के प्रति दूसरे किसी ने कुछ गलत कहा था तो बाला साहब ने स्वयं उसकी तस्वीर को जूते से मारा था। अब वो शिवसेना ये बाला साहब वाली शिवसेना नहीं रही, ये पूरी तरह से सत्ता के लालच में अपना हिंदुत्व खो चुकी है। हमारा महाराष्ट्र सरकार से इतना ही सवाल है, इतनी ही हमारी अपेक्षा है, समस्त साधु समाज की अपेक्षा है कि ये दोनों साधुओं की जो हत्या हुई है पालघर में भी और नांदेड़ में भी, इस प्रकार का फिर से कोई नया वाकया नई घटना हम सहन नहीं करेंगे। ये दोनों भी घटनाओं की सीबीआई जांच हो, ये हमारी महाराष्ट्र सरकार से मांग है। महाराष्ट्र सरकार सब दूर फेल हो चुकी है, एक तरफ पुलिस की ओर हमले बढ़ रहे हैं, 240 हमले हो गए, मैंने आपको बताया। महाराष्ट्र में घरों घरों में भुखमरी आरंभ हो चुकी है, अस्पताल में जो मरीज है उनके बगल में लाशें रख करके उनका इलाज हो रहा है, डॉक्टर्स को अब तक पीपीए किट नहीं मिली। देश में सबसे अधिक मृत्यु मुंबई और महाराष्ट्र में हो रहे हैं, हर तीसरा व्यक्ति मुंबई महाराष्ट्र से पॉजिटिव है, हर तीसरा व्यक्ति यहां से मौत उसकी हो रही है। पूरी तरह से यह सरकार फेल हो चुकी है। आज 60 दिन लॉकडाउन को हो गए, 60 दिन के भीतर इस सरकार ने 60 पैसे का भी पैकेज नहीं दिया। यह स्वयं सत्ता में है पर हमेशा आरोप करने में व्यस्त होते हैं। सत्ता में रहने वाले पक्ष को आरोप करने का अधिकार नहीं होता। विपक्ष ने अगर कुछ सुझाव दिए तो उस सुझाव को ध्यान में रख करके काम करना होता है। हमारे देवेंद्र फडणवीस विपक्ष नेता इन्हें बार बार सुझाव दे रहे पर यहां पे कोई मंत्री अपने एयर कंडीशन बंगले छोड़ने के लिए तैयार नहीं। महाराष्ट्र के क्रमांक एक के नेता वे भी अपना बंगला नहीं छोड़ते। पूरी तरह से महाराष्ट्र के 12 करोड़ लोगों को इन्होंने बिल्कुल सड़क पर छोड़ दिया है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। साधुओं की हत्या होती है, कड़ी निंदा और आलोचना करने के लिए जिस सरकार के पास समय नहीं है, जिस हिंदुत्व की भाषा बोलने वाली शिवसेना के पास समय नहीं है, तो उनका हिंदुत्व कहां बचा है? वो तो 6 महीने पहले ही बीत गया। अच्छा, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, साधु संतों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, आपके लिहाज से, आपके मुताबिक इसके पीछे कौन है? क्यों इस तरह के हमलों में हम एक तरह की ये जो सिलसिला है ये रुक क्यों नहीं रहा आपके हिसाब से? कहाँ चूक हो रही है? देखो, बुनियादी बात को समझने की आवश्यकता होती है कि जब सत्ता के कुर्सी पर ऐसे लोग बैठते हैं और उनके बैठने के कारण कुछ लोगों को बल प्राप्त होता है, तो ऐसे लोगों को बल प्राप्त हुआ है कि जो साधु संतों की हत्या करने के बाद भी इस सरकार से हमें कोई भय नहीं है, इस सरकार से हमको अभय मिलेगा, ऐसी शक्तियों को बल प्राप्त हुआ है। अब सत्ता में कौन बैठा है? सत्ता में शिवसेना और ये तीन दल है। अब राष्ट्रवादी और कांग्रेस, इन दोनों को तो हिंदुओं के प्रति और साधुओं के प्रति इनकी क्या आस्था है ये समूचा देश जानता है। अब शिवसेना ने भी अपना हिंदुत्व और साधुओं के प्रति आस्था त्याग दिए हैं, समर्पित कर दिए हैं, उनका कुछ बचा ही नहीं उनके पास, तो कहीं ना कहीं उन शक्तियों को, ताकतों को बल मिला है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम पुनः एक बार दोनों भी घटनाओं की हम कड़ी निंदा करते हैं और महाराष्ट्र सरकार को हम सख्त चेतावनी देते हैं कि अब की बार समस्त हिंदू समाज, समूचा देश, समूचा साधु समाज चुप नहीं बैठेगा। इन दोनों घटनाओं की सीबीआई की जांच महाराष्ट्र सरकार को करानी पड़ेगी। यह ऐसी निकम्मी और फेल सरकार है जिसने 60 दिनों के भीतर 60 पैसे का भी पैकेज महाराष्ट्र की जनता को नहीं दिया। ना यहाँ ये साधुओं के लिए कुछ कर रही है, ना भुखमरी से मरे जाने वाली जनता के लिए कुछ कर रही है। ये दोनों बातें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया राम कदम जी, जी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कुछ अहम सवाल जो जी न्यूज़ लगातार उठा रहा है कि महाराष्ट्र में क्या ये एक साजिश है साधु संतों के खिलाफ, ये भगवा से डर है? पालघर और अब नांदेड़ से जो खबर आई है बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है फिलहाल। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग जी न्यूज़ ऐप विद लाइव टीवी, लेटेस्ट अपडेट्स एंड एक्सपर्ट ओपिनियन, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।